देखो हिरन ही हिरन, ओ माय गॉड अचानक मिला हिरन। हाय गाइस, ये बंदे की शक्ल देखते ही हंसी निकल जाती मेरे को यार। किसकी? इस भाई तो वीडियो आई भी नहीं है भैया। आगे देख भैया आगे, पीछे तो देखो मत करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये देखो नेपाल से यात्रा करके, नेपाल से यार, ये देखो वाकई में नेपाल से आ रही है। फिर न्यूज़ से लेट पे जाना है, जो बोल दिया वही से आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मेरे न्यू स्टूडेंट, ब्रेक मत दबाओ सामने वाला पिचक जाएगा। तो आज मेरे न्यू स्टूडेंट सौरभ भाई चला रहे हैं कॉर्वेट ड्राइविंग, तो काफी कुछ जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। एक का तो सुबह सुबह करते हैं टाइगर का, जब आप शीशे पे देखते हो तो मिलता है कोई ना कोई। क्या नाम है उसका? सौरभ। अबे जानवर का बताओ यार। तुम भी यार सौरभ बता रहे हो यार। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी रोमांचक होने वाली है, तो इस रोमांचकता के भरपूर मौके का आनंद उठाइए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कुछ से पता नहीं है क्या मिल जो लोगों खतरों से भरा हुआ है, खतरों पे सिखाते हैं गाड़ी। अभी मजा आ रहा है, तीव्र मोड़ है, अंधा मोड़। मोड़ को कई नामों से जाना जाता है, तीव्र मोड़, अचानक मोड़। वाहन चलाते समय ड्राइविंग का ज्यादा ध्यान दें। देव महादेव जय, तिलमट क्या है? तिलमट महादेव क्या? तिलमट महादेव तो सौरभ भाई तुम खो के जाते हो कहीं कहीं। तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो यार? प्यार हो जाएगा यार, मुझे ऐसे ना देखो, ऐसे ना मुझे तुम देखो। ये देखेंगे आप 40 सेकंड में, ये देखो, ये देखो गाड़ी, ये गया ऐसे देते। तो इस प्रकार देना, गाड़ी की स्पीड भी कम ना हो, गाड़ी नीचे भी ना उतरे और हम साइड भी निकल ले। ये होता है अभी ड्राइवर पार्ट कोड मात्र 26 किलोमीटर जो गलत लिखा है। यहाँ से 30-32 होने चाहिए प्रशासन की गलती। फिर आ गया एक अंधा मोड़। क्या है ऑल्टो वालों ने हॉर्न बजाओ, जिसमें कभी कभी हॉर्न भी बजाने पड़ जाती है। और ये इतने हैवी ड्राइवर हैं। पहाड़ों में लोग किस पर बाइक चला रहे बताओ। ये दिखे कुछ गाय, गौ माता छोड़े हुए, गौ माता है छोड़े हुए नहीं यहाँ के पाले हुए। देखिए किस प्रकार से हमने गाड़ी बिना उतारे साइड कर ट्रक के सामने। इसीलिए बोल रहे थे भैया सुबह कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। आदत सी हो गई, अब तो आदत सी है मुझको। फिर ये क्या है सामने? ओफो देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की काली गाय, सफेद गाय, गाय आगे आपको मिलाएंगे भोटिया कुत्ता। ये थोड़ा हाइब्रिड हो गया है इसलिए, नहीं तो पिछले जमाने में तो गाड़ी तो को फाड़ देता था। ये देखो छोटा है ये थोड़ा, लेकिन हाइब्रिड है, चाइनीज और भोटिया का मिक्स हो गया है थोड़ा। तो ये चाइना का तो भोटिया चाइना आया था। ये मिला कुत्ता हमको टेढ़ा गेट। अब देखेंगे हम किस प्रकार से आगे बैरियर लगे हुए हैं और किस प्रकार से साइड निकालेंगे बैरियरों से। आप देखिए बैठ, ये दिल थाम के ये 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 निकाले, ये यूं यूं घुमा देंगे, यूं यूं घुमा देंगे, यूं। आप आपको दिखने को मिलेगा डमी बाघ, डमी बाघ। ये रहा, ये डमी लेटा हुआ है आगे, असली में भी लेटा हुआ हो सकता है। वो नहीं दिखेगा आज आपको क्योंकि वो अंदर ही बैठे, वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार आपने गाय भी देखी और भोटिया कुत्ता भी देखा, मिक्स था। आपको हम रियल भोटिया कुत्ता भी दिखा। ये तुम यहाँ देख के क्यों बोल लो बार बार? अरे यार चौथा गाय बिलो ये भी कर दिया, तुम उनको बोर होंगे और भैया दर्शन करा करा के सिखा रहे हैं इनको। हर रोज करते हैं कि पास जाकर के गाड़ी सिखाई जाती है, आशीर्वाद के साथ गाड़ी भी। मनोरंजन
कोई भी चीज आसानी से आदमी सीख सकता है। हाँ बंदिशों में रह के सीखोगे तो तब वो एक वो हो जाता, मजबूरी हो जाता, मजबूरी मजबूरी के साथ नहीं, कुछ के साथ सीखोगे तो शायद आप लोगों को अच्छा सीखने को मिलेगा, जिस प्रकार हम लोगों को ये प्रेशर दे के बताया इनको, बताया गया था मेरा मैंने इनको इनको 50 रुपए दिए हैं ये बात बोलने के चाकू दिखाया गया चाकू अब स्टार्ट पुलिया पर हम इसको साइड देंगे, ये दे गाड़ी को नीचे नहीं उतारना है, किस पर का हम डट के चलेंगे चाहे वो नीचे उतारे हम नहीं उतरे वीडियो में तो आए नहीं तो इस प्रकार से गाड़ी चलाए पहाड़ों, हिरन इस प्रकार मिल जाते हैं। तो तभी बोलते हैं जंगलों में स्पीड रखें 30, रखें 4। इस क्षेत्र में शराब पीना मना है। फिर से एक सवारी वाली गाड़ी आते हो क्या ये पार कर पाएंगे? वो व्हाइट लाइन के बीचों बीच ही हमने निकलना है किसी भी हालत में। बहुत बढ़िया तरीके से सीखा हुआ है कि किस प्रकार राइट और लेफ्ट बचाना है, किस कदर गाड़ी चला रहे हैं, रहने दो फिर इनको। बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे, सबसे बढ़िया बात स्पीड इनके कंट्रोल में ऑन द। और हमने तो आज तक इन रोडों में घुसे ही खाए हैं भैया, चलिए आप जींस पहन के आते हैं ताकि लगे नहीं है निशान ना बने कहीं जंगलिया पे, क्योंकि हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये हिल है, हिल है। तो हम यहाँ से पहुंच चुके हैं ग्रासलैंड, यहाँ पे भाई बचपन में नहाने आते थे वो आगे तो चलो आगे आते थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको कहाँ पे बचपन में इन्होंने नहा के अपनी वो देखिए संपूर्ण विद्या वहीं से प्राप्त। पुराने जमाने में ऋषि कहीं किसी पेड़ के नीचे कहीं पर करते थे ना विद्या के, तो इन्होंने उस क्रैश लैंड में किया विद्या के और आज यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो आपने गाड़ी कहाँ से सीखी थी सर? नियल आपसे पूछ रहे हैं, कृपया आप बताइए। मैंने अपने ऑफिस में ही सीखी गाड़ी। ऑफिस में बैठे बैठे? हाँ 5 मिनट में सिमुलेटर मशीन में। अच्छा। और फिर एक दिन मेरा उस्ताद है मेरे बॉस का लड़का सौरभ, तो उसने मुझे आधे घंटे में कार चलाना सिखाया। फिर आपने 5 मिनट वाला वीडियो और फिर मैंने आप सब लोगों को सिखाया। मैंने आधे घंटे में गाड़ी चलाना सीखी थी, लेकिन गाड़ी को पूरा नहीं सीखा था। मैं रोज डेली चलाता रहता था गाड़ी, अकेले ही चलाता था। मतलब आधे घंटे के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अकेले गलतियां करता रहता था, ट्रैफिक जाता था, कभी कहाँ जाता था कभी कहाँ जाता था। तो ऐसे सीखा मैं, मतलब आधे घंटे में किसी को बिठा करके, सौरभ को बिठाया, उसने सिखाया मुझे, उसके बाद फिर मैंने खुद ही गाड़ी चलाई। यही है ग्रासलैंड। यहाँ पर भाई नहाते थे बचपन? यहाँ नहीं यार, यहाँ पानी कहाँ है? पहले होता था तो बहुत मान लिया करो जी। अच्छा चलो मान लेते हैं। मान लो ना। हाँ तो भाई लोगों में यही नाता था, बाग दिखे तो दिखता, मान लो पानी आया था इधर पर। हाँ, आया कौन सी नदी? नदी बहा करती थी नदी। दोस्तों कैसी लगी इनकी ड्राइविंग? बड़े सुस्त आदमी है, कमेंट पे जरूर बताना, इनके लिए तो बताना ही जरूर। बहुत तीव्र मोड़ तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है पीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।